हम तुलसी नगर स्टेशन से दवा के लिए यहाँ आए थे और यहाँ पे बोल रहे हैं कि अस्पताल बंद है, कार बहिष्कार पे है, क्या वजह है और क्या मांग है आपकी? जी, मैं राजकीय महामाया एलोपैथ मेडिकल कॉलेज से बोल रहा हूँ। यहाँ पे भाजपा के प्रतिनिधि और भाजपा के देवर सहित जबरदस्त दबंगई के चक्कर में हम लोग एकदम बहुत दहसे हुए हैं और इस दहशत का अगर जब तक निवारण नहीं हो जाता है, हम लोग ताला नहीं खोलेंगे। पुलिस प्रशासन या डीएम ये जिम्मेदारी नहीं ले लेते हैं कि यहाँ पे कोई कांड होता है और इस कर्मचारी के साथ या किसी अधिकारी के साथ कोई कांड होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। तब तक हम लोग ये गेट नहीं खोलेंगे, ये हम लोगों की मांग है। और जिसको गोली लगी हुई है उसके लिए जब तक सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, उसके लिए कुछ नहीं करती है, बंदोबस्ती की व्यवस्था नहीं करती है, हम लोग ये गेट बंद रखेंगे और अनिश्चितकाल के लिए बंद रखेंगे। जब तक कोई उधर से नहीं आ जाता है समर्थन, तब तक हम लोग अभी गेट बंद किए रहेंगे। क्या नाम है? मैं रामभेज यादव बोल रहा हूँ। मैं बीती रात मेडिकल कॉलेज में हुए विवाद के बाद आज भी पूरे कैंपस में अफरा तफरी का माहौल है। साथ ही कर्मचारी की गोली लगने के बाद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार पर कर्मचारियों ने ताला जड़ दिया है। कर्मचारियों की मांग है कि जब तक दोषियों को जेल नहीं भेज दिया जाता, तब तक मेडिकल कॉलेज का दरवाज़ा नहीं खोला जाएगा। मेडिकल कॉलेज में इलाज न होने से मरीजों को निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। अनुराग चौधरी, ईटीवी।